नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक खत्म होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले ही पटना लौटे और पटना लौटने के साथ ही उनके चेहरे पर एक खुशी जो थी उससे साफ झलक रहा था कि जिस मुद्दे को लेकर के, जिस गठबंधन को लेकर के पिछले कई महीनों से नीतीश तैयारियां कर रहे थे तो उन तैयारियों पर कहीं ना कहीं उनकी मुहर लग रही। लेकिन जैसे ही वो राजधानी पटना में आते हैं उसके बाद से लगातार अब चर्चाएं ये तेज हो जाती हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की जो बॉन्डिंग, उस बॉन्डिंग से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असहज हो रहे हैं। क्योंकि एक वीडियो कल से ही काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी जो हैं वो सीख रहे हैं कि मटन कैसे बनाया जाता है, सियासी पकवान जो होता है वो कैसे पकाया जाता है, और लालू यादव बड़ा ही सहजता के साथ राहुल गांधी को इस बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल देर शाम लालू प्रसाद यादव से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। इस मिलने को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार असहज हो रहे हैं। जिस तरीके से वो अकेले ही मुंबई के विपक्षी एकता के बैठक के बाद पटना लौटते हैं, उसके ठीक कुछ घंटे के बाद लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ पहुंचते हैं, तो इस असहजता के बीच कल मिलने पहुंचे हुए हैं लालू प्रसाद यादव से, आखिर क्या बात हो रही है। हालांकि राजनीति, कई राजनीतिज्ञों की माने और कई तरह की चर्चाओं की माने तो इस बात की भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के आवास पर चर्चा चल सकती है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार में क्या हो सकता है। आपको बता दें कि मुंबई की बैठक में शामिल होने के बाद पटना लौटे नीतीश कुमार ने अचानक राबड़ी आवास का पहुंचना कई तरह की बातों का चर्चा हो रहा है। राजनीति सूत्रों की माने तो समन्वय समिति के गठन के बाद दोनों पार्टी के नेता को किस तरीके से काम करना है, इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत चली है। कल ही सुबह से सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम की लगातार मुलाकात हुई, और जिस तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की जयंती कार्यक्रम में एक साथ शिरकत करने दोनों पहुंचे हुए थे, उसके बाद से तेजस्वी यादव के साथ राबड़ी आवास पहुंचते हैं। आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री संजय झा शामिल हुए। इसके अलावा जो बैठक हुई थी उसमें 26 दल के 63 नेता भी शामिल हुए थे। तो क्या चर्चाएं चली होंगी, क्या बातें हुई होंगी? तो देखिए, कल ही हमने लगातार इस बात की चर्चा भी की थी कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा टेंशन में इस बात को लेकर के हैं कि उनके सांसद छिटक सकते हैं। तो सांसद छिटकेंगे, उसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस बात को फाइनल कर लिया जाए कि भाई हमें सीट कितना मिलेगा। और इस बेचैनी में लगातार वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो राजनीतिज्ञों की माने तो नीतीश कुमार इसी टॉपिक को लेकर के लालू प्रसाद यादव से कल मिलने उनके आवास पे पहुंचते हैं, और काफी गुपचुप तरीके से ये मीटिंग होता है। तो इस मुद्दे पर अब आगे देखते हैं क्या कुछ बातचीत हो सकता है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर, क्या नीतीश कुमार की सहमति बनेगी, जो लालू यादव ने प्लान बनाया होगा, तेजस्वी यादव ने जो प्लान बनाया होगा उस पर क्या नीतीश कुमार अपनी सहमति दिखाएंगे, ये तो बाद की बात होगी। लेकिन गुपचुप तरीके से इनकी मुलाकात कई बातों की चर्चाएं करते हुए दिख रही है। फिलहाल भारत लाइव पर इस वीडियो को आप देख रहे थे, देखते रहिए हमारे चैनल भारत लाइव, तमाम खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।